मम्मा आज क्या बना रहे हो? आज मैं बना रही हूँ हरे छोले की चटनी। ठीक है मेरे एक व्यूअर का मैसेज आया था कि मैं कोई और रेसिपी बताऊं, ठीक है। तो जो चने का हरे छोले के पुलाव वो सेम मटर जैसा बनता है, और सब्जी भी जैसे हम मटर पनीर बनाते हैं वैसी ही बनती है ऑलमोस्ट। ठीक है तो इसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है। ठीक है। इसके लिए क्या लिया तो आपने? इसके लिए मैंने एक छोटी कटोरी हरे चने ली है। छोली आजकल बहुत आया हुआ है बाजार में, ठीक है और चार पांच हरी मिर्च ली है, तीखी है, ठीक है। आप जैसे खाते हैं वैसे डालें। चार पांच मैंने कलियां ली है लहसुन की, और 2 चम्मच दही ली है, और आधा नींबू लिया ये है, दही कैसे, मीठी दही है कैसी? नॉर्मल? ठीक नॉर्मल दही है, ठीक आधा है नींबू लिया है, ठीक है और थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया ऑप्शनल है, ठीक है और नमक, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं नमक बनता। कोशिश करें कि सेंधा नमक डालें? हाँ सेंधा ही यूज करें, सेंधा ही यूज करना चाहिए नमक। ठीक है तो अब मैं इसकी हमने ज्यादा पतली चटनी नहीं बनानी, ठीक है हल्की सी पोस दे के बनाएंगे हम। ठीक है। तो मैंने हरी मिर्चें तोड़ के डाल देती हूँ, लहसुन की कलियां डाल दी मैंने, और ये हरा धनिया डाल दिया, और दही डाल देंगे हम। अच्छा और नींबू निचोड़ देंगे अच्छा इसी टाइम ही? इसी टाइमिंग। ठीक है नमक आप स्वाद अनुसार डालें, क्योंकि चटनी में अगर ज्यादा हो तो निकल नहीं सकता, लेकिन कम हम डाल सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं इस चटनी को ग्राइंड करने जा रही हूँ। हल्का सा पॉज दे और फिर चला दे, बस ऐसे सिर्फ 1 मिनट, आधे मिनट में चटनी बन के तैयार है हमारी। इससे क्या होगा कि चटनी थोड़ी दलदली बनेगी, हाँ यही ना? बिल्कुल बिल्कुल, कोर्स ग्राउंड। ये कोर्स ग्राउंड। देखिए ये परांठे पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है चटनी, ये हमारे हरियाणा में स्पेशल बनती है चटनी। थोड़ा इस जार में हमारी चटनी लगी हुई है, तो हम इसमें पानी डाल के इसको हल्का सा चला देंगे, ताकि सारा एक हो जाए। तो ये हरे छोलिये की चटनी बनके तैयार है। बहुत जल्दी और आसानी से बनने वाली चटनी है ये। और अब छोलिया अगर हमारे पास पड़ा हुआ है तो हम इसको इजीली बना सकते हैं। सिर्फ नींबू चाहिए और थोड़ा सा लहसुन और मिर्च, जो कि इजीली अवेलेबल होती है। और बिल्कुल डिफरेंट हटके चटनी है ये। बाकी चटनी तो हम लोग बनाते रहते हैं, क्योंकि इसमें दही का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा आता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और आप इसे किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। इवन आप इसको चावल के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपको रेसिपी कैसे लगी आप ज़रूर बताइए, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।